हनुमानगढ़ में ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद की टीम ने मुख्य बाजार से अस्थायी कब्जे हटवाए और इसी बीच दुकानदारों और यातायात व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वालों को यातायात नियमों की पालना की हिदायत भी दी गई। ट्रैफिक इंचार्ज सुशील खत्री ने बताया कि व्यापारियों ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए कलेक्टर SP को ज्ञापन सौंपा था और जिसके आदेश के अनुसार पार्किंग और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए समझाइश की गई और साथ ही उन्होंने भविष्य में यातायात नियमों पर उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कल हमारे SP साहब से मिले थे, कुछ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इनके कई दिनों से परेशानी आ रही थी, उस संबंध में श्रीमान के आदेशों से आज हमने नगर परिषद के साथ में मिलकर सभी व्यापार संघ वालों से मीटिंग की है और इनकी समस्याओं को हमने सुना है और कुछ जो इनकी समस्याएं थी उनको त्वरित हमने निपटाया भी है, जिसमें कपड़ा बाजार के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें अपने साधन कुछ सामान बाहर निकाल रखा है उनको अपनी नियत स्थान पार्किंग में या अंदर डालने के लिए समझाया गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।